लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो फिर 2024 के जैसे परिणाम भी आते हैं, ये भी बीजेपी को बताना पड़ेगा। ये परिणाम एक इशारा है। आप सब ने सुदर्शन के साथ खड़ा होकर कितने मिस कॉल एकत्र किए, सिग्नेचर एकत्र किए, 8,96,00,000। उसके बावजूद अगर कानून नहीं आ रहा है तो नियत पे शक नहीं है, लेकिन प्राथमिकता की कंप्लेंट हमारी है कि हिंदू समाज के हृदय में ज्वालामुखी धधक रहा है। ये कहो कि मोदी जी अगर हिंदुत्व की बात नहीं करते तो 150-180 के आगे नहीं जाते। मुसलमान एक नगर पालिका में एक आध दो चार वार्ड में प्रभावी होता है, लेकिन पूरा एजेंडा बना के लेता है। स्मशान बना के लेगा, उसको कंपाउंड बना के लेगा, उनका समाज मंदिर जो जो बना सकता है सब कुछ बना के लेगा। हिंदू संगठनों के समक्ष चुनौतियां एवं उपाय, इस विषय पर श्री सुरेश चौहान के जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनका परिचय अलग से आप सभी को देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। श्री सुरेश चौहान के जी सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक हैं। आप प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ हैं। हिंदू धर्म पर होने वाले प्रत्येक आघात के विरुद्ध आप चैनल के माध्यम से डटकर विरोध करते हैं। आप निडरता से राष्ट्र तथा धर्म का कार्य करते हैं, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी श्रीमती माया चौहान की जी की दृढ़ता से आपका साथ देती है, और आज आपकी धर्म पत्नी भी इस महोत्सव में उपस्थित है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। मैं श्री सुरेश चौहान की जी से विनती करता हूँ कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार घोषणाओं के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। मेरा सबसे बड़ा परिचय यह है कि मैं इन हिंदू शेर शेरनियों के बीच हूँ। आदरणीय मंच उपस्थित सभी बंधु भगिनी, मेरी पत्नी, इस वीडियो को देख रहे सभी हिंदू प्रेमी दर्शक, पहले तो मैं हिंदू जनजागृति समिति के पूरे टीम को हिंदू राष्ट्र महोत्सव के 12 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। शुभकामनाएं मेरी तरफ से और धन्यवाद पूरे हिंदू समाज की तरफ से कि इन 12 वर्षों में इस अधिवेशन ने ना केवल कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, बल्कि जिन हजारों कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया उन्होंने करोड़ों हिंदुओं को हिंदू धर्म के काम के लिए प्रेरित भी किया। उन कार्यकर्ताओं ने 12 वर्षों की संख्या निकाले जिसने हिंदू समाज को प्रेरित किया, उन्होंने कम से कम कई लाख हिंदुओं को धर्मांतरित होने से बचाया। मैं आउटपुट बता रहा हूं इस अधिवेशन के, और कई हजार हिंदुओं की घर वापसी भी की। यहां से प्रेरित होकर निकलने वाले कार्यकर्ताओं ने निर्माण किए समाज में लाखों बहनों को लव जिहाद का शिकार होने से बचाया। लव जिहाद का राक्षस कितना खतरनाक है, षड्यंत्रकारी है, कैसे रूप बदल कर आता है, बहुरूपिया है, इसकी जानकारी दी, उससे भी वो बच रही है। लाखों एकड़ जमीन लैंड जहाज से बचाई, लोगों के अंदर धर्म की प्रेरणा दी, कई संगठनों को संगठन कैसे चलाया जाए, एजेंडा क्या होना चाहिए, किस पर काम करना चाहिए, कार्यशैली क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ बताया। और सर्वश्रेष्ठ काम किया वो कि हजारों कार्यकर्ताओं को धर्म के प्रचारक के रूप में फुल टाइम निकाला, जो आज देश भर में ये काम कर रहे हैं। और भी कई इसकी उपलब्धियां है, तो इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले में भी था और आज 12वें में भी हूँ और आगे भी रहूँगा। राजा भैया हम, मुझे लगता है काफ़ी अधिवेशन अटेंड करने वालों में से एक हैं। अब ये सब कुछ आज जब हम यहाँ संबोधन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो इस पूरे मंथन में मोदी जी तीसरी बार इसका फ्लेवर है, और स्वाभाविक है, देश की सबसे बड़ी घटना है तो रहेगी। मेरे पहले भी अश्विनी जी हो या बाकी सभी लोगों ने, मैं YouTube पर कई भाषणों को भी सुनते आया कि किन्होंने क्या कहा, तो स्वाभाविकता इसकी चर्चा रहेगी और होनी भी चाहिए।
हमारे लिए सत्ता कोई साध्य नहीं है, साधन है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे यहाँ में एक ही बीजेपी वाला एमएलए बैठा हुआ है, बीजेपी के पास 10,000 के आसपास एमएलए हैं, लेकिन यहाँ कितना आया है? एक। जिस दिन यहाँ कम से कम 1,000 में से 100 आएंगे, तब तक हम कहेंगे कि भाई कुछ तो फर्क पड़ा है। आपका पॉलिटिकल मोनेटाइजेशन किसको होता है? बीजेपी को होता है। हमारा भी मोनेटाइजेशन किसको होता है? बीजेपी को होता है। हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इससे, क्योंकि हमको पता है कि औरों के तुलना में आप ये काम अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं, तो फिर 2024 के जैसे परिणाम भी आते हैं, ये भी बीजेपी को बताना पड़ेगा। ये परिणाम एक इशारा है। देखिए, आपको पता है कि मैं जब बोलता हूँ तो फिर मैं संकोच नहीं करता कि बीजेपी का नाम कैसे ना लूँ या लूँ या क्या करूँ। अरे भाई, हम अपने घर का खाकर अगर उसका पॉलिटिकल लाभ आपको मिल रहा है, तो हम उसका हिसाब आपसे मांगेंगे, और अब तो पक्का मांगेंगे, क्योंकि अभी पूरे हिंदू समाज ने भी मांगा है। हमें मोदी जी के, अमित शाह जी के, योगी जी के नियत पर कोई डाउट नहीं है, है क्या? किसी को नहीं है। लेकिन हमारा आग्रह है कि आपकी प्राथमिकताओं में बदलाव करना होगा। 10 साल कम होते हैं क्या? 2016 में हमने जनसंख्या की बात की, 18 में 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली, 8,96,00,000 मिस कॉल सिग्नेचर एकत्र करके दिए। वो तब जब बीजेपी की पूरी टीम लगाकर उन्होंने जो मिस कॉल के द्वारा कैंपेन किया था, वो केवल 10 करोड़ का था। उस समय आप सब ने सुदर्शन के साथ खड़ा होकर कितने मिस कॉल एकत्र किए, सिग्नेचर एकत्र किए? 8,96,00,000। उसके बावजूद अगर कानून नहीं आ रहा है, तो नियत पे शक नहीं है, लेकिन प्राथमिकता की कंप्लेंट हमारी है। इस अधिवेशन के द्वारा मैं समस्त हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में यहां खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्धारण करने वाले लोगों को कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज के हृदय में ज्वालामुखी धधक रहा है। आपने मंदिर बनाया, अच्छा किया, लेकिन जैसे अभी कहा कि अरे भाई, ऐसे मंदिर बनाने में तो हजारों साल निकल जाएंगे, कब उनका नंबर आएगा? 4 लाख मंदिर गए, एक कानून नहीं बना सकते? हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन ये होते हुए भी आप ही कर सकते हैं, और हम आप ही से करवा के रहेंगे, यह भी संदेश देना पड़ेगा। अभी सांसदों को बात करने की बात, नैरेटिव कैसा होता है? चुनाव लगे, सारे टीवी चैनलों ने कहना शुरू किया, जिनको तथाकथित नवराष्ट्रवादी भी कहा जाता है, उन्होंने कहना शुरू किया कि हिंदुओं ने मतदान नहीं किया। अरे तो क्या 240-245 पाकिस्तानियों ने दिए क्या? किसने दिए? हिंदुओं ने ही दिए। उधर मुसलमान पूरा गया, ईसाई पूरा गया, तो फिर 245 किसने दिए? हम शिकार होते हैं, चुप बैठ जाते हैं। मुझे कई हिंदू अधिकारी कहता हो कि फोन आए, सुरेश जी ये तो हिंदुओं ने मतदान नहीं किया। अरे बोलना, मैंने कहा तुम गलत शिकार हो रहे हो, ये कहो कि हिंदुओं ने ही दिया, नहीं तो 240 भी नहीं होते। कहीं ने कहा सुरेश जी देखो, आप लोग तो ठीक है, अच्छा बोलते हैं, जान हथेली पे लेते हैं, इतने मुकदमे झेलते हैं, सब ठीक है, लेकिन मोदी जी ने हिंदुत्व की बात की और इसलिए मतदान कम हुआ। मैंने कहा तुम तो मुल्ला का एजेंडा चला रहे हो भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये कहो कि मोदी जी अगर हिंदुत्व की बात नहीं करते तो 150-180 के आगे नहीं जाते। अजय, मैं केवल झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप स्टैटिस्टिक निकालिए, यही सच्चाई है। और ये सच्चाई अगर बोलने की हिम्मत हम सार्वजनिक मंचों पर नहीं रखते, तो फिर हमारे हिंदुत्व का काम ढोंग है या किसी व्यक्तिगत हितों के लिए है, ऐसा मैं मानता हूं, और इसलिए ये बोलने की हिम्मत रखता हूं। जो बातें कान में कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यपद्धति का हिस्सा है कि दोषों को कान में बताओ, गुणों को सार्वजनिक मंचों से बताओ, वो हमने किया, आगे भी कुछ चीजें ऐसी करेंगे, लेकिन हिंदू हित की बात करने के लिए अभी खुलकर बोलना होगा। तो अगले साल का एजेंडा क्या हो? तो यह एजेंडा हो कि हमने जो 240 दिए, मुसलमान
एक नगर पालिका में एकाध दो चार वार्ड में प्रभावी होता है, लेकिन पूरा एजेंडा बना के लेता है, स्मशान बना के लेगा, उसको कंपाउंड बना के लेगा, उनका समाज मंदिर जो जो बना सकता है सब कुछ बना के लेगा। हम पूरी सरकार देते, 5 साल फिर सो जाते हैं, इस बार तो 10 साल सो गए थे। इसलिए इस वर्ष का एजेंडा उस सांसद को भी बताओ कि भाई तुमको जो वोट मिला है वो हिंदू ने दिया है, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विधायक को बताओ, पड़ेगी। और इसलिए ये एजेंडा हम। दूसरा क्या हुआ, हुआ ये कि मोदी जी के शपथ से लेकर आज तक, मैं अभी आपके सामने खड़े हूं, अब तक हमारे पास तो देश भर से पूरा डाटा आता है, जितनी गौ हत्याएं 5 वर्षों में हुई होगी, पूरे 5 साल कह रहा हूं मैं, पूरे 5 साल में जितनी गौ हत्याएं हुई होगी, उतनी गौ हत्याएं अनावश्यक जो की जाती है स्लॉटर हाउस के सिवा, वो शपथ विधि से लेकर आज तक में हुई है। हमारे पास मध्य प्रदेश से एक एक रिपोर्टर भेज रहा है कि 150 सर काटे हुए गाय के मिले, 500 मिले, वहां पर 300 मिले, वहां 80 मिले, वहां पूरे देश भर से आंकड़े आ रहे हैं। गाय रस्ते में खड़ी है, कोई जिहादी आता है उसको कोई हथियार मार के जाता है, एसिड उसके ऊपर फेंका जा रहा है, गर्म पानी फेंका जा रहा है, कोई उसकी टांग तोड़ के जा रहा है, कोई अभी सुदर्शन पे आपने वीडियो देखा होगा, गाड़ी से जानबूझ के कुचल के जा रहा है, कई वीडियो आ रहे हैं। ये वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल दिल्ली NCR में फरीदाबाद नाम के शहर में एक हिंदू पुजारी का गला काटा गया, सल्तन से जुदा किया। कितनी साधुओं के शपथ से लेकर आज तक हत्याएं हुई, हमले हुए, मंदिरों पर हमले हुए, मठों पर हमले हुए, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो इस वर्ष में हमको इन हमलों की क्रिया की प्रतिक्रिया भी जमीन पर देनी होगी, ये भी एजेंडा रहेगा, और हम देंगे, हर कीमत पर देंगे। ये मानसिकता बनाकर अगर नहीं उतरेंगे, केवल पुलिस के भरोसे रहोगे, कहीं कुछ हो गया 102 या 100 नंबर डायल किया, उससे कुछ होना नहीं है। हमारा ग्रुप, अपना ग्रुप, अपनी शक्ति डायल करो तो होगा क्या। मेरे पास बहुत कार्यकर्ता आते हैं, दुनिया भर की बातों का एजेंडा लेकर आते कि सुरेश जी ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, फलाना होना चाहिए, वे होना चाहिए। मैं उसको कहता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, फलाने गली में, फलाने सोसाइटी में, तुम आवाज दोगे तो कितने हिंदू एकत्र कर सकते हो। ये अच्छी बात है कि आप विश्व के कल्याण की बात करें, लेकिन संगठनात्मक एजेंडा और लक्ष्य निर्धारित करते समय आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप जहां रह रहे हैं वहां आवाज देने पर कितने लोग आएंगे। जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस गली में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां आपके आवाज पर कितने लोग आ सकते हैं। सड़क से जाते समय ऐसे मार्केट में भी किसी मुसलमान को आपके गाड़ी का धक्का लगने दीजिए, कितने मिनट में 100-500 आ जाते हैं, कुछ मिनटों में आ जाते हैं। आपके ऊपर हमला भी होगा तो कितने आएंगे, प्रैक्टिकल सोचिए। इसलिए हमारे शक्ति केंद्रों की कल्पना हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम सोशल मीडिया के द्वारा देश दुनिया में फैले हुए, लेकिन बाहुबल के लिए हमको हमारे क्षेत्र में ताकत निर्माण करने पड़ेगी। और इसलिए दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारे मंदिर है, किसी मस्जिद से अगर अनाउंस किया जाए कि एकत्र हो जाओ, तो 1000 लोग एकत्र होने में कितना टाइम लगेगा, कितना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। किसी मंदिर से अपील की जाए कि एकत्र हो जाओ, तो 1000 तो छोड़ो, 100 भी एकत्र होंगे क्या। हमारे मंदिरों की अवस्था है कि घंटा बजाने के लिए भी मशीन लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिक का, वो घंटा बजाता है, हिंदू भी नहीं बजाता। अगर हमारे मंदिरों को कुछ करना जरूरी है, एक्सपेंशन करना या बाकी सुशोभितीकरण करना, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो आवाज दे और 1000 लोग एकत्र हो, ये स्थिति को निर्माण करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता इस वर्ष में होनी चाहिए। यह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो प्लान करेंगे तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिन खतरनाक है। जिसकी कल्पना हम पहले से कर रहे थे वो अभी शुरू हो चुके हैं। इन 5 सालों में कम से कम अगले चुनाव परिणामों तक ये गति रुकने वाली नहीं है। उधर खुलेआम बोला जा रहा है, जो जुम्मे के नमाज के खुतबे हो रहे हैं आजकल वो भी बाहर आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, उनमें भी साफ साफ बोला जा रहा है। अब तो खुलेआम भाषणों में भी बोला जा रहा है,
और इसलिए राजनीतिक दल भी अब खुलकर इन बातों को बोल रहे हैं, और इसलिए ऐसे समय में अगर हम अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था निर्माण नहीं करेंगे तो हम फिर सिर्फ सोशल मीडिया या कीबोर्ड वॉरियर रह जाएंगे, उससे हिंदू समाज बचने वाला नहीं है। और ये मैं उस मंच से बोल रहा हूँ जो मंच अपना जीवन खपाकर धर्म बचाने के लिए जमीन पर काम करता है। इसलिए आशा आपसे है, चुनावी राजनेताओं से नहीं है, इसलिए आपके सामने आग्रह के साथ इन मुद्दों को मैं रख रहा हूँ। और भी प्राथमिकता क्या है, तो प्राथमिकता में इस वर्ष जनसंख्या नियंत्रण कानून, अब इसका नारा मैंने बदल दिया है। पहले क्या बदला था, पहले था हम दो हमारे दो, हमने 2017 में नारा दिया हम दो हमारे दो तो सबके दो। तब हमने कहा था कि दो बच्चे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे कोई भी हो, सबके दो बच्चे। लेकिन अब इस कानून का नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि 10 साल हो गए, अनुपात में बदला हो गया, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के पहले मैं लगा रहा हूं मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। क्योंकि अभी हिंदू तो 1.3 1.6 पे आ गया, तो कुछ कुछ तीन चार पैदा करें, कुछ एक करें, कुछ एक भी नहीं करें, इसलिए वो हमारा 1.3 1.6 है। अगर वो भी दो पर रुक गए, हिंदू भी दो पर रुक गए, तो फिर तो हमारा माइनस वन के आसपास चला जाएगा, एक लेस देन वन चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है और उधर दो भी होते हैं तो बात तो वही हुई ना, डबल की संख्या बनी रही है। और इसलिए जो नियंत्रण कानून कैसा है, चलो आप मुस्लिम नहीं लगा सकते तो आप ये कहिए कि 2.1 जो कि इनिशियल आवश्यक है किसी भी कम्युनिटी को या किसी को सस्टेन करने के लिए फर्टिलिटी रेट को, तो आप ये कहिए कि इससे ज्यादा जो भी कम्युनिटी बच्चे ज्यादा पैदा करेगी ये कानून उन पे लागू होगा। जिस दिन हिंदू उसको क्रॉस कर जाए अब हम पे भी लागू करो, लेकिन हम हैं 1.3 1.6 पे और आप 3.9 वाले के साथ हमारी तुलना करा रहे हैं, तो नहीं होगा। इसलिए नया ड्राफ्ट बनेगा, नया उसका जो हमने कानून बनाया था पूरा, हमने तो पूरा मतलब ये आंदोलन इतना व्यापक रहा कि 340 सांसदों ने सुदर्शन के कैमरे पे जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है, 340, और उसमें सारे दलों के हैं, फिर भी कानून नहीं आ पाया। और अगर ये नहीं आ पाएगा तो 2029 2034 के चुनाव तक बढ़ती नई मुस्लिम संख्या, इस बार जो स्थिति आई है इस स्थिति को बदलेगी। और मैं तो 2029 की भविष्यवाणी बहुत पहले से कह रहा हूँ, जो पुराने सुनने वाले राजा भैया वगैरह आप सब जानते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 2029 तक जनसंख्या का अनुपात 29 के पास ऐसा हो जाएगा कि हिंदू प्रधानमंत्री मुश्किल हो जाएगा। अब मोदी जी ने नई संसद बनाई है, उन्होंने एक रणनीति भी बनाई है कि नई परिसीमन होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी छोटी होगी और सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, उससे थोड़ा सा हमको 10-1 साल और मिल सकते हैं। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम भी है क्योंकि मुस्लिम पॉकेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उनकी सांसदों की संख्या, जब सांसदों की संख्या नए सदन में बढ़ेगी तो अब जो 23-26 के आसपास जाकर रुक रही है वो संख्या 100 के पास जाएगी। तो एक नमक हराम ओवैसी हमको इतना महंगा पड़ रहा है, तो 100 ओवैसी अगर कल संसद में होंगे तो आपका क्या होगा, और वो क्या क्या खींच कर लेके जाएगा, कितना एयर टाइम कंज्यूम करेगा, कितना उसके कार्यवाही में अपने भाषणों को, मांगों को, शब्दों को डिमांड में लगाएगा। एक अकेला दुनिया भर में जाके इतना चंदा एकत्र करके लाता है, 100 जाएंगे घूमने और एकत्र करने, तो कितना बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अवसर मिलेगा। लंबा सोचिए, और हम नहीं सोचेंगे तो कोई और सोचने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को केवल व्यक्तिगत हितों, पदों और अपने उन्नति की पड़ी हुई है। सबकी चिंता करने वाले यहां खड़े हैं, इसलिए मैं आपके सामने इन मुद्दों को रख रहा हूं। भाजपा ने इन दिनों एक नीति रखी, लव जिहाद कानून लाएंगे तो बीजेपी शासित राज्यों में लाएंगे, गौ हत्या पे कानून लाएंगे तो बीजेपी शासित राज्यों में लाएंगे। ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो आधे हिंदुस्तान में तो बीजेपी है नहीं, बंगाल में कब आएगी, केरला में कब आएगी, उसकी प्रतीक्षा करते हुए बैठेंगे तो काम नहीं बनेगा। और इसलिए लव जिहाद, गौ हत्या ऐसे विषयों के लिए हम सब लोगों ने केंद्रीय कानून की मांग इस वर्ष में करनी चाहिए। केंद्र में कानून लाए ना,
अगर केंद्र आपने जीएसटी लाई, सबने एक्सेप्ट की, केंद्र से और भी कई चीज़ें आई, वन नेशन वन राशन के राशन कार्ड आपने लाया, सबने एक्सेप्ट किया, सब कुछ वन हो सकता है तो इस विषय पे क्यों नहीं हो सकता, ये लाना होगा, ये मुझे लगता है। दूसरा, मंदिरों के विषय में भी, मंदिरों के मुक्ति में बीजेपी ने अब कुछ कुछ राज्यों में अपने घोषणा पत्र में मंदिरों की सरकार से मुक्ति इस विषय पर घोषणा पत्र में अभी लिखना शुरू किया है। कर्नाटक में भी लिखा था, केरला में भी लिखा था, तमिलनाडु के लोकल चुनाव में भी लिखा था। तो हम ये कह रहे हैं कि अब सारे राज्यों के चुनाव में लिखो और इसको केंद्रीय कानून में लाओ, नहीं तो मंदिरों की मुक्ति बंगाल में कब होगी? नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में हम 1% है, अब तो मंदिर भी वहाँ बचे हैं क्या नहीं, लेकिन जो भी बचे हैं वो कब होगी? मणिपुर जैसी जो ईसाइयों की हिंसा चल रही है, हम क्यों उस पर नहीं बोलेंगे? मैं तो पूजनीय सरसंघ चालक जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो मणिपुर के हिंदुओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए और उन्होंने मणिपुर की बात की। सारे हिंदुओं को मणिपुर की बात करनी चाहिए, क्योंकि वहां जो कुकी है वो ज्यादातर ईसाई हो चुके हैं, और मैंने तो इसके ऊपर कई बिंदास बोल भी किए। इसलिए इस वर्ष में ये केंद्रीय कानूनों की बात भी हमको करनी चाहिए। एक और कानून लाया गया है, आप लोग यहाँ प्रशिक्षित होकर बाहर जाकर जो तर्क के साथ, मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ बोलते हैं, तो ये बोलने के कारण आपको रोकने के लिए हेट स्पीच बैकडोर लाया गया है, और उसके दो सबसे बड़े विक्टिम आपके साथ यहाँ उपस्थित थे, राजा भैया के साथ ऊपर महाराष्ट्र में 17, महाराष्ट्र में 17, महाराष्ट्र में मेरे ऊपर 65, और पूरे देश में मेरे ऊपर अभी 1828 मुकदमे हैं। इतने दाऊद पे भी नहीं है। दाऊद तो छोड़ो, सारी लिस्ट निकालो, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठी मुंबई से, इनके पास तो सारे अंडरवर्ल्ड वालों की लिस्ट है, सबके निकालो आप, हाजी मस्तान से लेके जो ऊपर जा चुके हैं, उन सबके भी निकालेंगे तो भी 1828 नहीं है। लेकिन सूरज चौहान के ऊपर है, पत्रकार है, चैनल चला रहा है, उसके बावजूद है, टीवी पर बोलता है उस पर भी है, सभा पे बोलता है उस पर भी है। हद तब हो गई जब नासिक के एक विवाह समारंभ में मैंने अपने संबोधन में पति पत्नी नवत दाम्पत्य को आशीर्वाद देते हुए ये कहा कि आप दो बच्चे अतिरिक्त पैदा करके हिंदू समाज के लिए 4 बच्चे दे दो, तो वहां पर भी FIR हो गया। एक श्रद्धांजलि सभा में गया मैं पुणे में, वो भी किसी और कार्यक्रम में जा रहा था, रास्ते में कहा कि भाई बापूजी के भक्त है, उनके श्रद्धांजलि में जाके आते गए, 50 लोग थे सामने, श्रद्धांजलि सभा में मैंने कुछ कहा, उसके ऊपर भी FIR हो गया। अभी पिछले दिनों में गोवा में नहीं हुआ है, ये वीडियो भी उसको निमंत्रित करेगा। कुल मिला के हेट स्पीच पर मैं बात करना चाहता हूं कि हेट स्पीच के कानून के ऊपर एक ईसाई जज आता है और एक कानून लाता है, एक ने लाया, एक ने। मैंने क्या किया, मैंने तो उसके खिलाफ शो किया, हमारे वकीलों ने कहा कि सुरेश जी प्रिविलेज लगेगा, फलाना होगा, इन्होंने अगर कोई आपके खिलाफ जजमेंट पारित कर दिया तो संसद को इसको हटाना पड़ेगा, क्या आपके लिए दोबारा संसद बैठकर उस निर्णय के खिलाफ कुछ करेगी? मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने 7 शो कर दिए, उसने मेरा नाम लेना बंद कर दिया। आपको ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये अप्रोच रखना पड़ेगा। ये बातें सामान्यतः मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो मैंने की है। बाकी थोड़ा सा समय अगर हम प्रश्नोत्तर को देखें तो मैं अपने समय के अंदर इसको समाप्त करूंगा। मेरा विषय राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में जो केसेस हुए उस पर है। इसमें हजारों लोग विक्टिम हुए और वो केस 30-35 वर्षों से चल रहे हैं पूरे देश के न्यायालय में, नीचे से ऊपर तक। हम लोगों को कभी बेल टूटता है तो बार बार जेल में जाना पड़ता है। भारत सरकार में आधे दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिन पर राम जन्मभूमि आंदोलन का केस है और वो परेशान रहते हैं उसके कारण। मेरे बिहार में तो विधानसभा के अध्यक्ष थे अवधेश जी, जिनका बेल टूट गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, लंबे समय से आप एब्सकॉन्ड हैं, आपको बेल नहीं देंगे, और उनको विधानसभा की अध्यक्षता से रिज़ाइन करके जेल जाना पड़ा और फिर बेल लेना पड़ा।
तो एक ऐसा कानून भी आना चाहिए राज्य सरकारों द्वारा, और केंद्र सरकार भी इसकी व्यवस्था करे कि जिस केस में कोई एविडेंस नहीं है सरकारी, जिस केस में कोई प्राइवेट एविडेंस नहीं है, जिस केस में ये लिखा गया कि इस आंदोलन के इस घटना से किसी प्रकार का तनाव समाज को क्षति नहीं हुई, उसको अनकंडीशनल वापस किया जा सकता है क्या? 2 लाख लोगों पर है। ठीक है, मैं भी एक्चुअली ये नहीं जानता था, मतलब मेरे लिए भी ये नई जानकारी है कि मैं तो ये मान रहा था कि जो लखनऊ में लास्ट फैसला सुनाया गया जिसमें आडवाणी जी को कन्विक्ट किया गया था और बाकी लोगों को छोड़ दिया था, मैं ऐसा मान रहा था कि उसी में सब समाप्त हो गए। लेकिन अभी भी 2 लाख लोगों पर अगर राम मंदिर की केस चल रही है तो ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। ऐसे इस विषय को तो नेशनली ही एड्रेस किया जाना चाहिए। मैं आज से इस मांग को अपनी मांगों में ऐड करता हूँ। जय श्री राम। सुरेश जी, हम पिछले 7 दिनों से यहाँ पे हैं, तो अभी जो अश्विनी जी ने और कल जो घनश्याम जी ने बताया था कि हमारी न्यायपालिका सबसे घटिया और ख़राब है, उसके लिए हम जैसे लोकपाल के लिए जो आंदोलन हुआ और कॉमन मैन जुड़ा, और आपने भी अभी जो उल्लेख किया आपके भाषण में कि जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून के लिए जो मिस कॉल जो आपने मुहिम चलाई, तो क्या हम ऐसी कुछ मुहिम अभी कर सकते हैं जिसमें कि रामराज की संकल्पना हो, जिसमें बताया गया अभी अभी जो अश्विनी जी ने बताया था कि 400 पार क्यों, इसलिए रामराज क्यों, ये अगर हम बता के ऐसे कुछ मूवमेंट करें तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी असरकारक होगा। इसके बारे में जरा आप मार्गदर्शन करें। नहीं ठीक है, इसे कोई असहमति का तो कारण है नहीं, रोड मैप बनाए ऐसा, ठीक है, तो हम सब आपके साथ जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें बिगर कैमरा करने का भी सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, वहाँ पर क्या क्या होता है, कई कैमरे पे आता है क्या। हाँ, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें कैमरा बंद करके भी करिए, ये कैमरे पे बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले। सुरेश जी नमस्कार। हाँ। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में गोवा एडिशन में एक ऐड देखा था मैंने सुबह सुबह, इसमें उत्तर प्रदेश का एक ऐड है हिंदू IAS स्टडी सेंटर। हाँ, और इसके लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ। बिल्कुल सही है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे रोका जाए? केवल उत्तर प्रदेश की ऐड आपके हाथ में लग गई, इसलिए ये सारे राज्य सरकारों की है, बीजेपी हो या कोई भी हो। जैसे अभी पहले भाषण में बताया ना कि तंत्र तो वही चल रहा है, सरकार बदलते रही है, सब कुछ वही है। अच्छा, इसमें लिखा है फ्री रहना खाना सब कुछ है, तो ये हमारे ही पैसे से चल रहा है सब कुछ, इसमें क्या संदेह? UPSC जिहाद आपने शो नहीं देखा शायद? जी, जो UPSC जिहाद शो था वो यही था। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसमें गवर्नमेंट एंटरप्राइज कर रही है। सब कुछ सरकार दे रही है, रहना खाना, परीक्षा, प्राइमरी परीक्षा देने के लिए जो एस्पिरेंट है 1 लाख रुपए दिए जाते प्राइमरी के लिए, UPSC के 1 लाख। अगर आप परीक्षा में पास हो गए प्राइमरी में और मेन एंट्रेंस में जाते 20 लाख रुपए, रहना खाना, आपके कपड़े की इस्तरी करना, उसको धोना, आपकी मेडिकल सुविधा, सब कुछ फ्री। ये सुविधा, ये स्थिति है, और ऊपर से आपको 13 मार्क्स भी अतिरिक्त मिलेंगे। UPSC जहाज के 4 शो हुए हैं, 6 पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया है, लेकिन 4 में बहुत कुछ आप देख लीजिए। जय श्री राम। मैं ज्योति शर्मा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भाई जी से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे यहाँ मेरा एक भाई है, रवि निगम नाम है, हिंदुत्व के लिए 20 साल से कार्य कर रहे हैं हम। 4 केस है जो हिंदुत्व के लिए उन्होंने, हम सब ने साथ में धरना प्रदर्शन किया था, उनको गुंडा बदमाश के लिस्ट में डाल दिया गया। सिर्फ 4 केस है, वो भी हम हिंदुत्व के लिए बंद करवाने निकले थे उसके लिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हिंदू के खिलाफ कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 4 केस है, संदेह है क्या? अब मेरे लिए तो आपको पता है 10 केस चल रहे हैं। मुझे नहीं, मेरे भाइयों के लिए जो 4 केस बना है। देखिए, इसके लिए तो मैंने कहा ना कि कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी सरकार बनी है। आप ऐसा करिए, जहाँ जहाँ कम से कम बीजेपी है, उन सभी राज्यों के जो कार्यकर्ता यहाँ है या इस वीडियो को देख रहे, सभी हिंदुत्ववादी के कोई कैंपेन चलाकर सारे मुकदमे को एक जगह करिए। मैं इसका फॉलोअप करूंगा, सर राज्य के मुख्यमंत्री से बात करूंगा। लाइए जरा एक बार ऐसा भी करके देखते हैं ना, क्योंकि कई लोगों को अवसर मिलता है, भाई आपने तो कभी कहा ही नहीं, तो जरा बोल के भी देखते हैं कि क्या होता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, विशाल ताम्रकार मेरा नाम है।
अभी जैसे दीदी ने बताया, आज छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और कई ऐसे हमारे राज्य है देश के जिसमें आदिवासी समाज के लोगों को धर्मांतरित कराया जाता है, लेकिन धर्मांतरण होने के बाद उनको आरक्षण वही पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इनके एक पूर्ण कर रहा हूं मैं, मुझे पता है, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु जी शपथ लेने के बाद कैमरे पर उनसे ये बुलवाया है कि जिन्होंने धर्म छोड़ा उनका आरक्षण छोड़ना चाहिए, छुड़वाएंगे। उसको इंग्लिश में फ्रेज नाम दिया है उन्होंने, डीलिस्टिंग। विष्णु सहाय जी से मैंने कैमरे पे बुलवाया और शीघ्र ही ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इसका कानून भी आएगा, डीलिस्टिंग। और इस वर्ष में दिसंबर के या जनवरी में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के हमारे आदिवासी वनवासी भाई कम से कम 2 लाख की संख्या में आकर देश भर में इसकी मांग के लिए आएंगे। आंदोलन चल रहा है, आप उस आंदोलन को सपोर्ट करो। इस साल नहीं तो अगले वर्ष के पहले क्वार्टर में इस विषय पर कानून आएगा। हम लोगों को ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपके जैसे महान योद्धाओं को भी इसमें उतरना पड़ता है, लेकिन कितने है कि वक्फ बोर्ड जैसे कानून चुपचाप ला दिए जाते हैं और हमको थोप दिए जाते हैं। ये चीजें मतलब इस पर मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह है, उनका चीज कैसे हो जाता है और हमारा। अभी महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार है, आधा एक और भी है उसका नाम नहीं लेता मैं, लेकिन क्योंकि वो छत्रपति संभाजी महाराज जी को धर्मवीर नहीं कहते, और वो जब तक उनको धर्मवीर नहीं कहेंगे हम उनका नाम ही नहीं लेंगे। वो बीजेपी के मंत्रिमंडल में आए होंगे, हमारे दिल में नहीं जगह बना पाए, ना बना पाएंगे जब तक ये बात नहीं करेंगे। इसलिए महाराष्ट्र में अभी अभी 10 करोड़ रुपए दिए, मतलब इधर चुनाव परिणाम हुआ, उन्होंने ठोका इनको, नीचे लाया, कट साइज किया, और इन्होंने उसके बदले में कोई सजा देने के बजाय 10 करोड़ रुपए दिए वक्फ बोर्ड को। मैंने उसका खुल के विरोध किया, 2 करोड़ रिलीज हो गए थे, 8 करोड़ मैंने होने नहीं दिए। तो आपको विरोध करना पड़ेगा भाई, आप लोग डरते क्यों है, संकोच क्यों करते हैं भाई। बीजेपी टेक्निकली हमारा बड़ा भाई हो सकता है हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता का, लेकिन हम बोलेंगे ही नहीं। अगर ऐसा आपका अप्रोच है, नाराज हो जाएंगे तब तो नहीं बात बनेंगे, आपको बोलना होगा। सर, मैं बीजेपी की एक्स कारपोरेटर थी हूँ, विदर्भ अमरावती से, महाराष्ट्र से हूँ। जब मैं कारपोरेटर थी तब एक कानून लाया गया था कि जिसकी मतलब 2080 के बाद जिसको दो बच्चे से ज़्यादा है, हाँ, वो कारपोरेटर भी नहीं बन सकता, हाँ, हाँ, विधायक भी नहीं बन सकता, और संसद भी नहीं बन सकता। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में कानून आया था, हाँ, तब ये केवल स्थानिक स्वराज्य चुनाव के संस्था के चुनाव के लिए आया था, बाकी विधानसभा और लोकसभा के नहीं है। नहीं है ऐसा, यही तो दुर्भाग्य है ना। प्रणाम सुरेश जी, हिंदू समाज के लिए, और इसमें एक उत्तर मैं जरूर देना चाहूँ, सारे हिंदू, चलो ये कानून लाया कि वो विधायक है, ये सरपंच नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता स्थानिक स्वराज्य संस्था में, सारे हिंदुओं को मेयर बनना है क्या, सारे को कारपोरेटर बनना है क्या? मतलब वो भी सोचते कि नहीं, कभी ना कभी नंबर आएगा, इसलिए बच्चों का नंबर कम कर देते हैं। वही तो बोल रही, और ये छत्रपति शिवाजी के मैं बड़ी अपील करने जा रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण की मांग करने वाला सुरेश चौहान के आज वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में कह रहा है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है, कम से कम एक बच्चा शिवाजी महाराज के नाम पर ज्यादा पैदा करिए। जब तक कानून नहीं आता और हमारा रेशो 2.3 तक नहीं जाता तब तक ये करिए। मैं कहता था ये कंपटीशन राष्ट्रहित का नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन धर्म हित का है, करिए। और वो बच्चा संभालने के लिए अगर किसी को कोई कहेगा कि हम उसकी परवरिश नहीं कर पाएंगे, पैसा वगैरह वगैरह कई चीज़ों की समस्या आएगी, तो मैं उसको संभालने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल और, अपने बच्चों को जैसा रखा है वैसा गारंटी के साथ रखूंगा। एक सवाल और पूछना चाहती हूँ भैया, कि अभी उन्होंने अर्थ संकल्प में एक घोषणा की है कि 18 साल से 60 साल तक 1500 रुपये महीना हर महीने में मिलेगा महिलाओं को। ठीक है, इसकी चर्चा हो चुकी है,
एक और उदाहरण देता हूँ, बैठे अभी, बाकी अपन कभी भी बात करेंगे कार्यक्रम के बाद भी, मैं 2 बजे तक हूँ। ज्योत्सना जी यहाँ पर है मुंबई से, बरो ना, मैंने पहचाना आपको, एक ही बार मिली है कार्यक्रम में। ये मुंबई में एकनाथ शिंदे जी और हम एक ही मंच पर थे, गोविंद गिरी जी का कार्यक्रम था, इन्होंने ऐसे ही खड़े होकर माइक लेकर कहा कि हम यहाँ कौन सी गुफा एलिफेंटा केव्स में हमको शिव जी का दर्शन करने नहीं देते, ऐसे ही कार्यक्रम था, बल्कि बहुत दूर थी वहाँ से। इन्होंने कहा मुझे दिल्ली जाना था, मैंने इनको कहा कि कल चलेगी आप, इन्होंने कहा, मैंने कहा कि कल हम एलिफेंटा केव्स में जाकर शिव जी के पिंडी पर पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी वहाँ आए, वो आते आते कार्यक्रम यूट्यूब पर देख रहे थे, जैसे मंच पे आए उनको उन्होंने पूछा वो क्या है एलिफेंटा का मामला, मैंने कहा कि वहाँ पर जाना है, कल पूजा करने में जा रहा हूँ मैं, अभी घोषणा की है, लेकिन आपके पुलिस और आपके DM हमको रोक देंगे। मैं शिंदे जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एकदम, जो अनिल कपूर की फिल्म है ना नायक, शिंदे जी माइक पे खड़े हो गए और उन्होंने माइक से बोल दिया कि कल सुरेश चौहान के जी और जो हिंदू भाई एलिफेंटा में पूजा करना जाना चाहते हैं, मैं वहाँ के जिलाधिकारी को बोलता हूँ कि इनकी पूजा की व्यवस्था करो। और एकनाथ शिंदे जी ने, मतलब देश भर के सारे हिंदू कार्यकर्ता पदाधिकारी संगठनों के आए, मैं शिंदे जी आपका धन्यवाद करता हूँ, शिंदे जी ने हमको वहाँ जाने के लिए पावर बोर्ड दे दी ताकि हमारा जाने का 1.5 घंटा 20 मिनट में हो जाए। इतनी अब बोलो ना, अब बोलते नहीं, अब मांगी नहीं करते भाई, मुख्यमंत्री से कैसे बोलेंगे कैसे करेंगे, भाई आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ी विधायकी का टिकट मांगना है या कुछ मांगना है, और ऐसा बोलने वाले कार्यकर्ता से वो नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है, वो लोग इतने कच्चे, ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है, हम बोलते नहीं, मांग नहीं करते, ये उदाहरण है बड़ा। उसके बाद वहाँ हमारे खिलाफ FIR लिखकर वो कौन सा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले वहाँ गए, राज्य सरकार ने FIR नहीं होने दिया। फिर मैंने किशन रेड्डी जी से बात की, मैंने कहा भाई आपके लोग हमारे खिलाफ FIR करने जा रहे हो, और FIR में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और पुलिस भी है। हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, होगा नहीं, हिम्मत करिए, बोलिए, मांग करिए, सब कुछ होगा। अच्छा, यहाँ से मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोवा जो है एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब है, उसको सिर्फ उसके बीचेस के लिए, कसिनोज के लिए जाना जाता है, जबकि हमें पता है यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, तो क्यों ना अब वो समय आ गया है, मुझे लगता है कि गोवा के जो प्राचीन मंदिर है उनके बारे में भी हमें एक वो लेना चाहिए। यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर ही तांबड़ी सुरला महादेव का मंदिर है, जंगल के बीच में बहुत खूबसूरत मंदिर है, ऐसा मंदिर आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा, उसका आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है और पांडवकालीन मंदिर है। तो कहीं ना कहीं अब ये समय है कि हमें गोवा को उसके धर्म से, अपने हिंदू धर्म करना से चाहिए। पहले तो आप अभी आए हैं, 7-7 दिन यहाँ रुके, तो मंदिरों में जाइए, सेल्फी लीजिए, फोटो लीजिए, पोस्ट करिए, लोगों को बताइए, मैं तो बताता ही रहता हूँ, सेलिब्रिटीज लोगों को बोलिए कि भाई गोवा का ये भी करिए। अब गोवा के बारे में एक बड़ी न्यूज़ जल्दी ही आने वाली है, अभी पूरी वेरीफाइड करके आप लोगों के सामने जल्दी ही रखी जाएगी, वो आंदोलन करने हो सकता है कि गोवा में दोबारा आना पड़े। चलिए अभी थोड़ा रुकते हैं क्योंकि मुझे भी निकलना है और समय की समय सीमा है। मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों का, सामने बैठे हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम जानकारी आपके सामने देता हूँ, सुदर्शन राष्ट्रीय हिंदी चैनल तो सैटेलाइट पे चल ही रहा है, अभी हमने 19 राज्यों के चैनल भी प्रारंभ किए हैं डिजिटल पर, 19, मराठी शुरू किया है, बंगाली शुरू किया है, ज़्यादातर हुए हैं, जो बचे हैं वो भी शुरू करने को तैयार हैं। उसके साथ जुड़ने के लिए वॉलेंटियर के रूप में जो जो जुड़ सकते हैं वो संपर्क करें, हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे और ये सारे आवाज़ को उसके द्वारा आगे लेके जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। राजा भैया का बेटा आया हुआ है ना, कहाँ है, हाँ ये देखिए, ये इसका धन्यवाद करना चाहिए राजा जी का कि ये उसको लेके आए, तो ऐसा सभी को, मैंने भी पिछले वर्ष मेरे बेटे को, दोनों को भेजा था यहाँ पर, बहनी की दोनों बहनों के बेटों को भी, मेरे भी दोनों बेटे। तो अपने अगले अधिवेशन में मैं संस्था को प्रार्थना करता हूँ कि ज़रा साइज बढ़ा लीजिए हॉल का, क्योंकि सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर आएंगे।